प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास खंड जंगल कौड़िया के काजीपुर गांव में 6,27,51,000 की लागत से बनने वाले रामपति राजकीय औद्योगिक संस्थान का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। इसके बाद आयोजित जनसभा का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित करके किया तथा रिमोट दबाकर शिलापट का अनावरण किया। तत्पश्चात कार्यक्रम के आयोजक कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने स्वागत भाषण किया। शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जंगल गौड़िया के काजीपुर में आईटीआई कॉलेज का निर्माण इस क्षेत्र के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर कराया जा रहा है, जिससे कि इस क्षेत्र के युवा वर्ग के लोग कौशल विकास में दक्ष होंगे और उन्हें देश विदेश में आजीविका के कमाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आईटीआई इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आईटीआई होगा। इसमें फीडर, कार एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, टर्नल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, पैशन टेक्नोलॉजी आदि के सीट स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संस्था पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय रामपति को समर्पित है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक समय तक स्वर्गीय रामपति ब्लॉक प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं और क्षेत्र के लोगों के लिए अहम योगदान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5,00,000 का बीमा कवर लिया जा रहा है। अब लोगों को इलाज के लिए अपने खेत आदि गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सिंगरवा से मोहरीपुर एवं अन्य विभिन्न सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि क्षेत्र की जनता को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनवरी 2019 से गोरखपुर एम्स के ओपीडी के चलने का प्रयास है, जिससे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इस अवसर पर विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोरख यादव एवं बलवीर यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और आप कभी कभी पुराने दिन को याद सबही के रखिया का उतरी परान रहन चाचा महान पिपराई के मान चरगावा के अंदर कच्चे पांच की पढ़ाई कर रहे थे। आज स्वर्गीय बहादुर सिंह के नाम पर राजकीय इंदिरा कार्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर राजकीय भारत का हमारे बंजार सिंह सहित सम्मानित विधायकगण, जिला अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित आज के कार्यक्रम में भूमि पूजन के लिए माननीय
रामपत यादव प्रशिक्षण काम करते हम साथी रेखा बाबा की पूजा कराए दक्षिणा में बाबा का विस्तार होगा बाबा का लीजिए बाबा चाहेंगे ना कराएंगे कि लेंगे स्वागत है स्वागत है मोदी जी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है मोदी जी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है मोदी जी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है मोदी जी का स्वागत है मंच आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हम सबके बीच मंच पर विराजमान बंधु जो पीछे खड़े हैं एवं हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी माननीय जोरदार तालियों के साथ भी जो हमें एक पद दिखाता है एक रास्ता दिखाता है कि यह पद सदैव आलोकित रहे दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याण परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन पुष्पकलिका के द्वारा करें अभिनंदन पुष्पकलिका के द्वारा इसी कड़ी में मैं संयुक्त निदेशक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि मंचासीन समस्त विधायकगण एवं अतिथियों का स्वागत पुष्पकलिका के द्वारा करें और अपनी उपस्थिति को गौरवमय बनाएं हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष महेंद्रपाल जी हम भाई हरकेश पासवान जी प्रतिनिधि हमारे मनोज सिंह जी भाई बलबीर यादव जी जिनके पिताजी की स्मृति में यह आईटीआई कॉलेज की स्थापना होने जा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सब के माध्यम से जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें और हम बधाई धन्यवाद देना चाहेंगे जिस स्वर्गीय आत्मा के प्रति आज ये महान समारोह हो रहा है अभी मात्र 4 महीने पहले आपने उस कैंपियरगंज की धरती पर कोड़िया की धरती पर आपने घोषणा की कि रामपत जी के नाम से आईटीआई कॉलेज कौड़िया की धरती पर बनेगा और आज वो मूर्ति रूप लेकर के यहाँ शिलान्यास अवसर पर हम सबको दिखाई दे रहा मैं इस बात की पुनः आपको बधाई देना चाहता हूँ विकास के मामले में ज्यादा से ज्यादा सड़कों का जाल हो पुलों का जाल हो और चाहे इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज महाराज जी जब यहाँ से सांसद थे
तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो चिंता की, इन्होंने निजी विद्यालय बना करके तमाम जगहों पर राजकीय और निजी बनवा करके यहाँ के क्षेत्र के शिक्षा का विकास करने का काम किया। मैं फिर पुनः इस बात की बधाई देना चाहूंगा, हम सब प्रस्ताव देते हैं और बराबर जो हम लोग देते हैं, जितनी योजनाएं मैंने आज तक दी हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, उससे कहीं ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की योजनाएं कैंपियरगंज की धरती पर देने का काम किया। मैं बधाई देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, इतने कम कार्यकाल के समय पर इतनी जल्दी जो विकास के कार्य हो रहे हैं। आज तमाम क्षेत्रों के लोग हमसे पूछते हैं कि आज क्या ये कार्य जो हो रहा है, हमने कहा ये इच्छा शक्ति की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो तय कर लेते हैं उस काम को करने का काम वो तुरंत करते हैं। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ आईटीआई के क्षेत्र में जो नौजवानों को जो औद्योगिक शिक्षा मिलेगी, उस शिक्षा से नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और अपनी एक पुरानी छोटी सी मांग को पुनः दोहराते हुए कि इस क्षेत्र में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हो जिससे यहाँ के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। हमारे विकास के काम आपने बहुत कर दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, बस हम रोजगार के क्षेत्र में भर्तियां तो हम कर रहे हैं, सरकारी भर्तियां बहुत बड़े पैमाने पर निकली, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र यहाँ बने, एक बड़ा क्षेत्र बने, इसी अपील के साथ आपको पुनः धन्यवाद देते हुए आई हुई सम्मानित जनता के प्रति आभार, आप सबका आशीर्वाद स्नेह मिले। जय हिंद जय भारत। हम सभी को कृतार्थ करें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घर कमरों से शिलान्यास। मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से अनुरोध करते हैं कि अपने भाई साहब योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जंगल कौड़ी भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व प्रधानाचार्य श्री ब्रह्मदेव यादव जी और उपस्थित हिंदू या वाहिनी के सभी सदस्यगण प्रमुख जी की स्मृति में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की घोषणा पिछली बार मैंने जंगल कोड़िया में की थी और आज उसका विधिवत शिलान्यास हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जमीन उपलब्ध कराई है, मैं इसके लिए ग्राम पंचायत को, जिला प्रशासन को हृदय से बधाई धन्यवाद देता हूं। जनहित से जुड़े हुए एक बड़े कार्य के लिए जिसके माध्यम से यहाँ के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की दिशा से देश में और विदेश में अपने कौशल का परिचय देने और अपने कौशल के माध्यम से अपने आजीविका कमाने में भारी मदद मिलेगी, और इस दिशा से जो भूमि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, इसके लिए हम लोगों ने निर्माण कार्य के लिए 6,27,51,000 रुपया स्वीकृत किया है और उस कार्य पर आज शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है। इस कार्य में जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर फीटर के 42 सीट, इलेक्ट्रीशियन के 42 सीट, मैकेनिक आरएसी के 42 सीट, टर्नर की 38 सीट, वेल्डर की 42 सीट, कोपा की 52 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 42 सीट, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 42 सीट, फैशन टेक्नोलॉजी में 42 सीट, प्लम्बर में 42, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में 42 सीट और फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन में 42 सीट इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए स्वीकृत किए जा रहे हैं। यानी अपने आप में एक ऐसा बड़ा केंद्र यहां के लिए दिया जा रहा है जो इस क्षेत्र के हर उस
नौजवान के लिए जिसने आठवीं पास किया है और वो तत्काल रोजगार चाहता है, आईटीआई में उसका प्रवेश होगा और प्रवेश दौरान ही उसकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के दौरान ही एक प्रयास होगा कि उसको किसी न किसी उद्योग से जोड़ करके और तत्काल उसको नौकरी भी मिल जाए या उसको कहीं ना कहीं कोई रोजगार मिल जाए। इसलिए आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर लागू करने के लिए यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के सभी नागरिकों को, यहाँ की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। यह संस्थान हम लोगों ने पूर्व प्रमुख स्वर्गीय रामपत यादव जी को समर्पित किया है। आप सब जानते हैं जंगल कोड़िया विकास खंड के प्रमुख के रूप में अब तक का सबसे अधिक समय तक ब्लॉक प्रमुख के रूप में उन्होंने अपना कार्य किया और वही सादगीपन जो थी उनके अंदर, जब वह पहली बार ब्लॉक प्रमुख बने होंगे 1957 में, तब से लेकर के और अंतिम समय तक, मुझे लगता है कि मृत्यु के 5-7 वर्ष पहले ही ब्लॉक प्रमुख से वे हटे थे, बाकी अंतिम समय तक वह ब्लॉक प्रमुख में कार्य करते रहे, जनता के लिए कार्य करते रहे, अपने लिए कुछ नहीं किए, परिवार के लिए कुछ नहीं किए, केवल जनता के लिए किए, जनरल कोड़िया क्षेत्र के लोगों के लिए किए, हरेक के सुख दुख में सहभागी बनते थे और हर सम परिस्थिति में गोरखनाथ पीठ में गोरखपीठ के साथ रह करके खड़े होकर के सदैव उस पीठ की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किए। जिस महामानव ने अपना पूरा जीवन इतनी सादगी से व्यतीत किया हो, समाज के लिए समर्पित किया हो, वह सचमुच एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहा होगा। बड़ा पद प्राप्त करने से भी कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति का कृतित्व उसे हमेशा महान बनाता है और स्वर्गीय रामपत यादव ने समाज सेवा के माध्यम से जो एक महानता हासिल की है उनकी उन स्मृतियों को सम्मानित करने के लिए ही आज हम लोगों ने इस नव सृजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम स्वर्गीय रामपत यादव जी के नाम पर रखा है और मैं इस अवसर पर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पिछले दिनों जंगल कोड़िया ब्लॉक मुख्यालय पर प्रमुख जी की मूर्ति भी लगाई गई थी। ये वही सम्मान है जिन्होंने इस विकास खंड के माध्यम से इस क्षेत्र की सेवा करके जो वास्तव में लोगों के लिए प्रेरणा प्रदान की है। आज के दिन पर जनप्रतिनिधि बनने का मतलब क्या होता है कि हम अधिकाधिक पैसा कमा लें, ठेका पट्टा पे कब्जा कर लें और तमाम अन्य प्रकार से हम लोग अधिकाधिक अपने लिए कर लें, लेकिन प्रमुख जी ने कभी अपने लिए नहीं सोचा, अपने परिवार के लिए नहीं सोचा। उनका दो ही हेतु था, एक पूज्य महाराज जी का इशारा क्या है और दूसरा जनता की आवश्यकता क्या है। इन दो के अनुसार ही वो कार्य करते थे और पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया था अपने आप को जंगल कोड़िया विकास खंड के लोगों की सेवा करने के लिए और आज इसीलिए उनको सम्मानित करने के लिए हम सब और हमारी सरकार यहां पर आई है और इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नामकरण उनके नाम पर करके उनकी स्मृतियां सदैव सदैव यहां पे बनी रहे। इस देश से जो बच्चे यहां से निकलेंगे वो स्वर्गीय रामपद यादव का नाम लेकर के जाएंगे, इस विश्वास के साथ हम लोगों ने इतनी ज्यादा पेड़ इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के साथ हम दे रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास की एक नई आस लेकर के वर्तमान की सरकार आपके बीच आई है। आज आप देख रहे होंगे जब जंगल कोड़िया से जगत बेला के इस मार्ग पर चले होंगे, सड़कें कैसी बननी चाहिए, यह मार्ग आपके सामने एक मानक बन रहा है। इसी प्रकार से तिघरा से आप जब चले होंगे जसवल राजावाड़ी जसवल की तरफ, कैसे मार्ग होना चाहिए वह आपके सामने है। इसी प्रकार से आपने चोटहा से लेकर के जंगल कोड़िया के पास से लेकर के
जो हम बाईपास बना रहे हैं कालेसर तक, यह भी आपके सामने है। युद्ध स्तर पर कार्य होना, समयबद्ध ढंग से काम होना और कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से उसको पूरा करना, और केवल यहीं पर नहीं है, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, पूर्व प्रमुख गोरख सिंह जी कह रहे थे क्योंकि यह बाईपास नहीं बन पाता अगर ये लोग उस दिन सुबह मुझे घेरते नहीं मंदिर में। तो गोरख सिंह जी प्रमुख थे, श्री ब्रजेश यादव जी, श्री रमाकांत निषाद जी, श्री ब्रजभूषण मिश्रा जी, श्री बलबीर यादव जी, श्री रामलखन यादव जी, सभी लोग आए। मैंने कहा कि मैं आज अगर गडकरी जी आ रहे हैं तो आप इस बाईपास की भी आज घोषणा करवा दीजिए। और अंततः मैंने देखा कि आवश्यकता है, क्योंकि विकास हम सबके जीवन में एक नया परिवर्तन लाता है। विकास आज की आवश्यकता है, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार के लिए, आने वाले समय के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें, इस दृष्टि से हम लोगों ने यह कार्य किया। और अभी हम जंगल कौड़िया से कालेसर के बीच जो ये बाईपास बन रहा है, इस बाईपास के साथ हम लोग ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जगत बेला से जहां पर ये बाईपास मोहम्मदपुर माफी और डोमिनगढ़ के तटबंध को जोड़ेगा, वहां से गोरखपुर शहर को जोड़ने के लिए एक टू लेन की बहुत अच्छी सड़क हम लोग दे रहे हैं। सिंहोरवा से मोहरीपुर वाला मार्ग भी चौड़ीकरण हो रहा है, यद्यपि उसका ज्यादा लाभ ब्रजेश यादव लेंगे क्योंकि उन्हीं का महाविद्यालय वहां बीच में पड़ता है और उन्होंने वहां की काफी जमीनों पर कब्जा भी किया है, लेकिन जनता भी उससे काफी लाभान्वित होगी। जिन लोगों को यहां से जंगल कोड़िया से गोरखपुर जाना होगा, वे लोग सीधे सिंहरुआ से लेकर के और मोहरीपुर चले जाएंगे, दोहरिया से लेकर के जगतबेला और मोहम्मदपुर माफी से लेकर के डोमिनगढ़ तक के सारे लोगों के लिए सुविधा हम उस मार्ग से दे देंगे गोरखपुर जाने के लिए। यानी सीधे गोरखपुर का कनेक्शन इस क्षेत्र से कितना बेहतर हम दे रहे हैं, ये विकास की योजनाओं के माध्यम से देखा जा सकता है। और इसलिए विकास आज की आवश्यकता है। गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, 2 वर्ष के अंदर वहां पर उत्पादन कार्य प्रारंभ होगा, यहाँ के हजारों नौजवानों को नौकरी मिलेगी, किसानों को सस्ते में खाद मिलेगी, व्यवसाय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तमाम लोगों को वहां पर व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होगा। एम्स का निर्माण गोरखपुर में युद्ध स्तर पर चल रहा है और हमारा प्रयास है कि जनवरी 2019 में उसकी ओपीडी प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है। अगर निर्माण कार्य हो जाएगा तो दिल्ली से डॉक्टर आकर के जिन डॉक्टरों को दिखाने के लिए आपको दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है, वे सभी गोरखपुर में आकर के यहाँ के लोगों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। गोरखपुर को आज बहुत प्रकार से वायु सेवा से जोड़ा जा रहा है, ट्रेन की सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है, सड़क मार्ग चाहे वह गोरखपुर से नेपाल का हो, गोरखपुर से लखनऊ दिल्ली का हो, गोरखपुर को वाराणसी का हो, इन सभी को युद्ध स्तर पर जोड़ करके हम लोगों ने तो कल ही निर्णय लिया है कि यूरिया की प्रत्येक जो बोरा है उसमें हर किसान को हम 35 रुपए की छूट यूरिया में देने जा रहे हैं। खेती का समय आ रहा है और खेती के समय में प्रत्येक किसान को प्रति बोरा 35 रुपए का लाभ हो, यह अपने आप में आप सभी किसान भाइयों के लिए एक नया अवसर है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब विकास की योजनाओं को लेकर के सरकार आपके बीच आ रही है, आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात के सरदार सरोवर पर स्थापित कराई है, आज उसका लोकार्पण उन्होंने किया है। इस देश को एकजुट करने में,
वर्तमान भारत के निर्माण में, वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय योगदान रहा है। उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज भारत की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात के सरदार सरोवर पर 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है। यह उन राष्ट्र नायकों के प्रति सम्मान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, और राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से किए जाने वाले इन कार्यों के प्रति हमें सदैव याद रखना होगा। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, याद रखना, आने वाली पीढ़ी हमें याद करेगी। अगर हम स्वयं के लिए जिएंगे तो जिनके लिए आप स्वयं के लिए जीना चाहते हैं मुझे लगता है वे लोग भी जीते जी आपको भुला देंगे। इसलिए स्वयं के लिए न जिए, समाज के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए, ये हम सब का उद्देश्य होना चाहिए। और आज यही कार्य केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है। आपने देखा होगा केंद्र की सरकार ने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। अभी आयुष्मान भारत के अंतर्गत हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की कवर दी जा रही है। यानी अगर आप कोई गरीब बीमार हो जाएगा उसका अपना खेत रेहान नहीं रखना पड़ेगा, उसको अपना खेत नहीं बेचना पड़ेगा, बल्कि उसको वह किसी भी हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल में जाकर के अपना कार्ड दिखाएगा, 5 लाख तक की दवा और वहां पर उपचार की पूरी सुविधा उसको हॉस्पिटल में निःशुल्क उपलब्ध होती हुई दिखाई देगी। इतना बड़ा कार्य आजादी के बाद कभी नहीं हो पाया। आयुष्मान भारत मोदी जी के द्वारा इस देश के गरीबों के लिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इस देश की महिलाओं के लिए, और प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट की योजना इस देश के नौजवानों के लिए, फर्टिलाइजर कारखाना खुलना देश के किसानों के लिए एक नया उपहार है। और मैं आज जब हम इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का यहां पर शिलान्यास कर रहे हैं, मैं जंगल कोडिया के नागरिकों को पूर्व प्रमुख स्वर्गीय रामपत यादव जी की स्मृति में इस औद्योगिक संस्थान को उपहार स्वरूप भी दे रहा हूं कि आप सब, आपकी पीढ़ियां, आने वाले बच्चे यहां पर इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने जीवन में स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर करेंगे, सम्मान के साथ अपनी आजीविका को प्राप्त कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति हृदय से इस अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो, इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। समापन की ओर मैं अपनी सभी आभारी हैं और आभार के साथ।